नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। चारभुजा में 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गढ़बोर तहसीलदार पर्वत सिंह पटवारी शिवराम की गिरफ्तारी के साथ ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद की टीम ने लोगों को ब्लैकमेल कर चौथ वसूली का बड़ा खुलासा किया है। मकान का निर्माण तहसीलदार व पटवारी द्वारा कानूनी तरीके से नोटिस देकर नहीं रुकवाया और न ही कानूनन चाबी जब्त की। लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने की नियत से मौखिक तौर पर काम रुकवा चाबी लेकर आ गए, जो चाबी एसीबी द्वारा पटवारी शिवराम की मेज की दराज से जब्त की हैं। इस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर अवैध चौथ वसूली का एसीबी ने खुलासा किया। एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि गढ़बोर में रोशनलाल के मकान का कार्य चल रहा था, जिसे पटवारी व तहसीलदार द्वारा रुकवा दिया। पहले 30,000 रुपये देकर चाबी ले जाने के लिए कहा, बाद में 20,000 रुपये लेने पर सहमति बनी। पटवारी के कहने पर 20,000 रुपये नंदकिशोर को दे दिए। इस पर एसीबी दल ने नंदकिशोर को पकड़ लिया, तभी तहसीलदार पर्वत सिंह और पटवारी मौके से भागने लगे, मगर एसीबी दल ने घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। एसीबी की इस पूरी कार्रवाई के बारे में बात करते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी सर से। परिवादी रोशन लाल पुत्र उम्माजी गुजर निवासी भोग जी की भागल तहसील गढ़बोर जिला राजसमंद ने अपने अधिवक्ता मकबूल हुसैन के साथ उपस्थित होकर कार्यालय एसीबी राजसमंद के अंदर एक रिपोर्ट पेश करी, जिसमें उसने बताया कि 12 अगस्त 2020 को तहसीलदार साहब गढ़बोर श्री पर्वत सिंह मेरे निवास पर आए। मेरे गांव के अंदर मेरा एक बाड़ा है, पुस्तैनी बाड़ा, जो कि 40-45 साल पुराना बाड़ा है, जिस पर मेरा ही कब्जा है। पूर्व में मेरे पिताजी ने कब्जा कर रखा था और अभी वर्तमान में हमारा कब्जा है। पुराने घर बने हुए थे, उसके अंदर 2 कमरे बने हुए थे, जिनको गिराकर मैं नया मकान बना रहा हूँ। वहाँ पर मेरे पशु भी वहाँ पर बांधे जाते हैं और तहसीलदार जी ने आते ही जो है कहा कि भाई जो है ये काम बंद कर दीजिए, इस ज़मीन के ऊपर स्टे है, जबकि उस खातेदारी के अंदर और भी अन्य व्यक्तियों ने भी कब्जा कर रखा है और उन्होंने मकान बना रखा है। वो मेरे से ताला लगवा कर उसकी चाबी को ले गए और कहा कि जो है ऑफिस आ जाना वहाँ बाद। मैंने उनसे, वो परिवार जी ने बोला कि मैंने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि ऑफिस आके बात कर लेते। फिर मैं पीछे पीछे उनके ऑफिस गया था तो उन्होंने मेरे से 30,000 रुपये की मांग करी और 30,000 रुपये की मांग करके कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा और चाबी भी दे दूँगा, आप पटवारी से मिल लेना, शिवराम पटवारी से मिल लेना। जिस पर 13 तारीख को ही हमने सत्यापन कराया तो पहले परिवादी और सहपरिवादी वहाँ पर तहसीलदार साहब से मिले और उसके बाद में तहसीलदार ने पटवारी से मिलने के लिए बोला और मिलते ही पटवारी ने जो है कहा कि तहसीलदार साहब 30,000 रुपये की कह रहे हैं, आपको अगर चाबी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आपके उसमें और आपकी मदद करेंगे और चाबी आपको चाहिए तो 30,000 रुपये लगेंगे। तो परिवादी ने जो है निवेदन किया तो उस पर उसने जो है 25,000 रुपये के ऊपर सहमत हुए, कहा कि आज ही दे जाओ पैसे, आज ही चाबी दे जाओ। तो उन्होंने कहा कि आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल आपको जो है पैसे की व्यवस्था करके दूंगा। जिस पर जो है ट्रेप कार्रवाई एसीबी द्वारा कल दिनांक 14/8/2020 को की गई। उसी प्रकार से परिवादी और सहपरिवादी वहाँ पर तहसीलदार साहब से श्री पर्वत सिंह से मिले और पर्वत सिंह ने पटवारी से मिलने के लिए कहा और पटवारी ने वहाँ पर एक प्राइवेट व्यक्ति एक दलाल को वहाँ रख रखा था तहसील कार्यालय के अंदर और परिवार सहपरिवादी को बोला कि जो है आप इसको पैसे दे दें, जिस पर जो है 20,000 रुपये व्यवस्था के अनुसार जो 20,000 रुपये थे उसके पास में वो 20,000 रुपये देते हुए उस प्राइवेट आदमी को जो है रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा और प्राइवेट आदमी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उसको देखकर पटवारी तहसील परिसर से भागने लगा, जिस पर घेरा देकर बड़े मुश्किल से उसको पकड़ा। उसके बाद में तहसील कार्यालय के अंदर जो तहसीलदार वहाँ पर थे पर्वत सिंह, उनको हमने अपनी हिरासत में लिया। तीनों से पूछताछ एसीबी के द्वारा की गई। इस प्रकार से पर्वत सिंह तहसीलदार के द्वारा अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वैध पारिश्रमिक से भिन्न पटवारी शिवराम के मार्फत 30,000 रुपये की मांग करना, परिवादी के द्वारा निवेदन करने पर 25,000 रुपये के ऊपर सहमत होना और पर वक्त ट्रेप 14/8/2020 को 20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। एक ये जो चाबी जो ली गई थी वो लीगल जब्त की गई थी या ऐसे ही? किसी तरह से कोई लीगल जब्त नहीं की गई थी। हमारी पूछताछ के अंदर इसने पटवारी ने स्वीकार किया कि तहसीलदार जी ने मुझे चाबी दी है और मैंने अपनी दराज के अंदर सुरक्षित रख रखी है
और एसीबी ने उस चाबी को बरामद किया है पटवारी के कब्जे से।